जी तो अब हम लोग शारदा पहुंच गए हैं और अठ मुकाम से हमने रात को स्टे किया था। वहां सोने के बाद सुबह तकरीबन वहां से 9 बजे निकले हैं और 12 बजे तक हम लोग शारदा पहुंचे थे। और शारदा में कुछ मसला था जिसकी वजह से हम लोग मसला इस तरह से था कि अठ मुकाम से भी हम लोग को आगे नहीं आने दे रहे थे क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का थोड़ा सा कोई क्लैश था किसी वजह से, कोई आर्मी को हमारे उन्होंने कोई जीप वगैरह कोई गिरा दी थी जिसकी वजह से नहीं पहुंच सके थे। तो शारदा में बहुत मुश्किल से उनकी रिक्वेस्ट करके बहुत मुश्किल से हम लोग नूरी टाप के लिए नूरी टाप के रास्ते पर आए हैं। और यहाँ पे आके सभी लोग बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं क्योंकि हम लोगों का जो बेसिकली टूर है वो यहाँ से ही शुरू हुआ है क्योंकि नूरी टाप हमारी एक मेन प्रियोरिटी थी टूर की, जो कि फाइनली हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। बेसिकली नूरी टाप का सारा मड ट्रैक है और ये तकरीबन जुलाई अगस्त में ही ओपन होता है, तो इसकी वजह से हमने जो अपना टूर है वो इसके राउंड अबाउट ही 15 जुलाई को हम लोग लाहौर से निकले थे इसी वजह से ही। सभी लड़के तकरीबन प्रोफेशनल टूरिस्ट हैं, रियल टूरिस्ट हैं। बीच में एक मामू और एक दोस्त जो इंग्लैंड से आया है, यूके, उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस है। बाकी सब तकरीबन पहले काफ़ी 1998 से तकरीबन टूर कर रहे हैं। और जो वीडियो का जो कंसेप्ट है वो इसी साल हमने शुरू किया है ताकि एक यादगार भी बना सकें और कुछ लोगों को जो कोई ये ट्रैक करना चाहते हैं जहाँ पे भी हम जाते हैं तो उनको भी कोई आगाही दे सकें, तो चलो किसी की कोई हेल्प हो जाए। तो मौसम बहुत अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है कि बारिश वगैरह का कोई मसला नहीं है और ट्रैक भी तकरीबन अभी तक तो खास समझ में आ रहा है, लेकिन अभी ये बिल्कुल स्टार्टिंग है। तो तकरीबन मेरा ख्याल है ये 8 से 9 घंटे का तकरीबन ट्रैक है। तो इसके अलावा जो है फ़िलहाल मौसम तो ठीक लग रहा है, अगर मौसम ठीक रहा और कोई किसी किस्म का कोई बाइक का कोई किसी का मसला ना हुआ, कोई पंचर ना हुआ, किसी भी किस्म का कुछ भी, तो इंशाल्लाह हम लोग शाम तक जलखड़ पहुंच जाएंगे। तकरीबन 48 किलोमीटर का ये ट्रैक है। तो जहां तक अभी तक नॉलेज मिला है, जो लोगों ने बताया है, जो लोगों से जो सजेशन लिए हैं, यही लिए हैं कि आगे तक के हाइट बहुत ज़्यादा है। शारदा से अगर आप जलखड़ जाते हैं तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो हमने बेसिकली चूज़ भी शारदा से जलखड़ इसी वजह से किया है कि शारदा से जलखड़ जाना एक बहुत मुश्किल ट्रैक है। अगर आप जलखड़ से शारदा आते हैं तो ये तकरीबन आसान हो जाता है, लेकिन देखें अब इंशाअल्लाह अब स्टार्ट किया है। कुछ लोगों ने पीछे बोला है कि अभी भी रास्ता ऊपर जलखड़ का नूरी टाप का अभी ग्लेशियर है, इसकी वजह से शायद इम्पॉसिबल है, लेकिन हम सब पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह जो भी होएगा सब कवर करके इंशाअल्लाह हम लोग ज़रूर हर हाल में जलखड़ पहुँचेंगे। आप लोग देख रहे हैं ये किस तरह का मड ट्रैक है। अगर बारिश हो जाए या फिर कुछ भी ऐसा हो जाए तो यहाँ पर बाइक चलाना इम्पॉसिबल बात हो जाती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। कड़कती धूप निकली हुई है और शारदा से हमने लास्ट टाइम बस खाना खाया दोपहर का, उस चाय पिया और अभी रास्ते में देखते हैं अभी कोई चाय का कोई हुआ तो चाय पियेंगे। और बहुत केयरफुली बाइक चलाना चाहिए ऐसी जगह पे क्योंकि आपका थोड़ा सा भी कुछ चोट लग जाए, बाइक कोई ख़राब हो जाए तो वो आपके लिए बहुत एक मसला बन जाता है। इसलिए हमेशा ऐसे ट्रैक्स पे जो आप ड्राइव है वो राइडिंग बहुत केयरफुली करें।
जब भी आपने मड ट्रैक वाला टूर करना हो, ट्रैक हो आपका ऐसा, तो आपके पास अपने जोगर्स के अलावा कोई रबड़ का कोई जूता भी होना चाहिए जो आप इस तरह की जगह पे पहन सकें, और जब वो आपका वो ट्रैक जब कंप्लीट हो जाए तो आप आराम से स्वस्थ होके फिर से आप उसको कैरी कर लें साथ और अपने दूसरे शूज़ जो है वो वियर कर लें। फाइनली ट्राउज़र वगैरह गंदा होते हुए अलग आराम से सुकून से ये हो गया कि लश ग्रीन जगह है, ये बहुत खूबसूरत है। चाचू के पास सामान बहुत ज़्यादा है, इसका हमें थोड़ा सा एक है कि इनका सामान थोड़ा कम कर सकें, सब 8 बाइक है हमारे पास और 8 ही लोग हैं, तो इसका जो सामान है वो सब में डिवाइड करके थोड़ा हल्का कर दिया जाए। सब सिंगल आए हैं, Honda 125 पे ऊपर सबने टूर किया, और सिंगल भी सब लड़कों को इसलिए लेके आए हैं क्योंकि नूरी टॉप काफ़ी डिफ़िकल्ट ट्रैक है, तो डबलिंग तो इम्पॉसिबल है इस ट्रैक पे, इसलिए जब भी आप इस ट्रैक को करें तो आप हमेशा सिंगल पर्सन बाइक होना चाहिए, डबलिंग कभी भी ना करें, अगर डबलिंग करेंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। वैसे Honda 125 जो है वो इसके लिए इस ट्रैक के लिए प्रेफर नहीं है, वैसे 150 होना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास 125 है तो ओके। ऐसे ट्रैक के लिए आपके पास आपकी कन्वेंस के बजाय आपका जो है आपका पुरजोश हौसला आपका वो ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि अगर आपने दिल छोटा किया ऐसे कुछ भी हुआ और 8 लड़कों में से कोई एक भी लड़का इस तरह का होएगा तो आप सबको उसके लिए नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए कोशिश करें जब भी आप लड़के जितने भी आप लेके चलते हैं साथ सभी का माइंड तकरीबन आपस में मिलता हो, अगर ऐसा नहीं होएगा तो फिर वो आप सब जितना भी आपका ग्रुप है उन सबको उस लड़के को बियर करना पड़ेगा। इसलिए बहुत स्पेसिफिक चुन के लोग लेके आए ऐसे ट्रैक के लिए, ऐसे टूर के लिए, ताकि किसी को भी किसी किस्म का कोई मसला ना हो, और सब प्रोफेशनल राइडर होने चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सबकी बाइक्स जो हैं वो हर तरह से फिट होनी चाहिए। फाइनली ये जो आप ऊपर रोड देख रहे हैं ये जाता हुआ, यहाँ से अब हम लोगों ने ऊपर जाना है। अभी तक इतना कोई मुश्किल सफ़र कोई रास्ता शुरू नहीं हुआ था, और अब यहाँ से मुझे वो ट्रैक देख के लग रहा है कि अब थोड़ी सी वाट लगने वाली है, और यहाँ से ये रिवर क्रॉसिंग के बाद अभी तकरीबन सब लड़के मेरे से आगे हैं, तकरीबन मैं सबसे पीछे हूँ, वो इसलिए सबसे पीछे हूँ क्योंकि मेरे पास बाइक का पंचर लगाने के लिए पंप वगैरह सारा सामान मेरे पास है, इसलिए सब लड़के आगे हैं और मैं सबके पीछे चल रहा हूँ, और ये काफ़ी ज़्यादा ऐसी जगहों पे सबसे ज़्यादा जो आपकी बाइक की परफॉर्मेंस में जो यूज होती चीज़ वो होती है क्लच प्लेट, तो हमेशा अपनी क्लच प्लेटों का काम अच्छी तरह से अच्छी जापान की आप क्लच प्लेट डलवा के आएँ, और कभी भी इस चीज़ का आपने थोड़ा सा भी कोई वो नहीं करना, बिल्कुल न्यू क्लच प्लेट अच्छी FCC की कोई डलवा के आएँ, ताकि आपको अपना जर्नी में कोई किसी किस्म का मसला ना हो। और अब ये टूर काफ़ी दिलचस्प होने जा रहा है जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि रोड तो ऑसम रोड है बहुत ज़्यादा। बेसिकली ये पाक आर्मी ने जब कारगिल की जंग हुई थी 1998 में उस वक्त ये रोड बनाया था जो कि आज़ाद कश्मीर को KPK से जोड़ता है, तो ये उस चीज़ के लिए ये बॉर्डर लाइन है, मिलिट्री रोड इसको बोलते हैं, ये आर्मी ने अपने लिए बनाया था, और अब ये उसके बाद ये टूरिज्म के लिए थोड़ा सा फेमस हो गया जब से बाबू सर टॉप ईजीली एक्सेस हो गया है, अब काफ़ी टूरिस्ट ये ट्रैक करने लगे हैं।
बाइक की स्पीड ना कम होनी चाहिए ना ज़्यादा होनी चाहिए। आपकी बाइक की स्पीड एक नॉर्मल स्पीड पे आप चलें और उसको मेंटेन करके रखें, ना कि आप कभी इसको स्लो करें कभी ज़्यादा करें। तो ये तकरीबन काफ़ी पीछे हाइट थी जो हम करके आ रहे हैं। ये सामने फैसल और फैजी खड़े हुए हैं, मेरे ख्याल अपनी बाइक को साफ दिलवा है मशीन को। काफ़ी हॉरिबल टाइप की अब रोड आ गई है। अब स्पीड आपकी मेंटेन रखना ज़रूरी है, आप कभी भी अपनी स्पीड को कम मत करें। अपना जो हैंडल है वो आप ज़ोर से पकड़ के कोई ग्रिप करके रखें ताकि आपका हैंडल स्लिप ना हो, लेकिन स्पीड को आपको रिड्यूस नहीं करना चाहिए। स्पीड रिड्यूस करेंगे तो आपकी बाइक बंद हो जाएगा। जब भी टर्न आउट पॉइंट आता है तो यहाँ पे भी आपको अपनी स्पीड की मेंटेन ही रखनी चाहिए और कभी भी रेस कम नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी जगह पे बाइक बंद हो जाए तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा बहुत ज़्यादा। और अभी तकरीबन मेरा ख्याल है कम से कम भी हम तकरीबन 11,000 फीट की हाइट पे तो होंगे अप्रोक्सीमेटली। तकरीबन यहाँ से नीचे तो पता नहीं नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा। अपने गैजेट वगैरह शारदा से हम लोगों ने चार्जिंग वगैरह की हैं और तकरीबन 6 किलोमीटर से मेरा ख्याल है तकरीबन मुसलसल ये कॉन्स्टेंटली आप ये चढ़ाई है सारी। इसका मतलब है कि अभी काफ़ी मुश्किल भी आगे हो सकती है। कुछ लोगों ने बताया है कि आगे एक दो पानी हैं जो कि बहुत मुश्किल हैं जिनको क्रॉसिंग, जो वो कह रहे हैं कि शाम के वक्त में वैसे ही वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पानी तेज़ हो जाता है। तो वो इंशाअल्लाह उसको भी क्रॉस कर लेंगे। लोगों ने तो बहुत डराया उसके बारे में। कभी भी किसी की बात के ऊपर आपको यकीन नहीं हासिल करना चाहिए जब तक अपनी आप आँखों से कोई चीज़ ना देख लें। लोगों की बातों पर हरगिज़ यकीन मत करें। आप अपना टूर कर रहे हैं, अपना ट्रैक कर रहे हैं, लोगों से सजेशन ज़रूर लें, लेकिन कभी किसी की बात के ऊपर आमादा मत हो जाए जब तक आप अपनी आंखों से वो चीज़ ना देख लें। इसलिए अभी देखो, अभी पीछे एक आदमी ने बोला था नूरी टॉप का ट्रैक बंद है, मैं अभी कुछ दिन पहले होके आया हूँ वो बंद था। और जब हम लोग शारदा पहुँचे हैं तो आर्मी वालों ने बताया कि नहीं बंद तो नहीं है, लेकिन हम आप लोगों को जाने नहीं देंगे, परमिशन नहीं दे रहे थे। वहाँ पे साइन करके अंगूठे लगा के आए हैं कि हम लोग अपनी जान व माल के खुद जिम्मेदार हैं। तो उन्होंने हमें असेस किया इस रोड का। अभी बाइक का बहुत ज़्यादा जोर लग रहा है, इंशाअल्लाह कोई मसला ना हो तो बेहतर है। लेफ़्ट साइड पे थोड़ा सा रहा कि ये होता है कि लेफ़्ट साइड से आपको आगे रोड सारा क्लियर नज़र आता है। काफ़ी मुश्किल पड़ गया रास्ता यार। लेफ्ट साइड पे आना महंगा पड़ गया है, राइट साइड पे ही आ जाओ भाई। ਇਹ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ ਕਿੱਕ ਮਰਵਾ ਦੋ ਜਰਾ ਬਸ ਕਿੱਕ ਮਰਵਾ ਦੋ ਕਿੱਕ ਮਰਵਾ ਦੋ ਤੂੰ ਕੁਝ ਪੈਟਲ ਕੋ ਵੇੜ ਕੇ ਦੇਓ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲ ਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ ਰੋਕੀ ਕਿਉਂ ਮੋੜ ਦੇ ਕਰ ਆਪਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਪਾਗੇ ਲੜਕਾ ਪਾਣਾ ਸਭ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਟੱਕਰ ਪਕੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੈ
नहीं ऐसे नहीं, दूसरे बैठो बैठो बैठो, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा आप एक और काम कर दो, दिखा दो हल्का दिखा दे दो। ट्रैक पे आप बाइक अपनी बंद कर देते हैं तो उसका ये नुकसान होता है, जैसा कि अभी मुझे किसी की हेल्प लेके बाइक चलाना पड़ा है। इसलिए कभी भी ऐसी जब चढ़ाई हो तो वहाँ पे अपनी बाइक मत बंद करें, और कोशिश करें कि वो चाहे स्लो और अपने पाँव की मदद से आप उसको चलाते रहें, उसको बंद नहीं आप होने देना चाहे जो भी कुछ भी हो जाए। तकरीबन शाम के 4 बजे का टाइम हो, फूल कितने मज़े के लगे। जलखट जाके अब हम लोग चाचू का वेट करेंगे, उनकी बाइक का मसला हो गया था लेकिन कोई भी उनके साथ वापस नहीं जा सकता। उनका जो सामान है वो मैंने अपने साथ कैरी कर लिया, उनका टेंट था, उनका खाने का सामान था, सारा खाना सारा हम साथ में पैक करवा के लाते हैं लाहौर से 3 पैक में, क्योंकि यहाँ का खाना हम लोगों से तो ठीक से खाया नहीं जाता, वहाँ का लाहौर का घर का बना हुआ खाना खाते हैं। 6 मंथ की एक्सपायरी डेट होती है उसकी। लड़के सबकी वाट लग गई है, अब बाइक की फिक्र पड़ गई है सबको कि कोई कुछ का कोई नुकसान ना हो जाए, क्योंकि अभी टूर स्टार्ट हुआ है हमारा। अगर किसी की भी बाइक का कोई मसला हो गया तो वो बेचारा अल्लाह ना करे ऐसा किसी का कोई मसला हो, क्योंकि बेसिकली हम लोगों ने नकआउट सिस्टम रखा हुआ है, जिसका जो मसला होएगा वो उसको खुद से हैंडल करेगा, जो भी होएगा कोई भी उसके लिए सेक्रीफाइस नहीं करेगा। और वो सेक्रीफाइस ना करने की वजह ये है कि कुछ लोग अपनी बाइक जिस तरह से हम उसको तो बोलते हैं उस तरह से उसका मेंटेनेंस उसकी उसका इंजन का काम नहीं करवा के लाते, और अगर उसी से रिलेवेंट कोई बाइक कोई ख़राब हो जाए तो फिर उसकी कोई किसी किस्म की मदद नहीं है, वो फिर वापस जाए जो मर्ज़ी करे, हम लोगों की तरफ से उसका कोई किसी किस्म का वो नहीं होता। और इस ये ना करने की वजह भी यही है कि हर कोई अपना काम करवा के आया बाइक का, और सब बहुत मुश्किल से पता नहीं किस तरह छुट्टियाँ अरेंज करके, कोई बिजनेसमैन है, कोई जॉब होल्डर है, कोई किसी का कोई मसला है, किसी का बीवी का मसला है, तो पता नहीं सब किस तरह से अपनी छुट्टियाँ सब मैनेज करके आते हैं, यही सोचते कि पता नहीं नेक्स्ट साल टूर होता है नहीं होता। तो इसलिए किसी की वजह से हम किसी का टूर ख़राब नहीं होने देते, जिसका जो मसला है वो उसको खुद ही से हैंडल करें। इसीलिए चाचू को हमने वापस भेजा है, इंशाल्लाह उम्मीद है वो कल हमारे पास सुबह जलखट में पहुँच जाएंगे, हम उनका वेट करेंगे। ये पहला ग्लेशियर सा आ गया, अभी मोहन भाई मेरे से आगे हैं और बाकी सब लड़के पीछे हैं, एक तो लड़के साथ में नहीं चलते। तकरीबन शाम 5 बजे का टाइम हो गया और मुझे लग रहा है कि ऐसी कि वो जगह आने वाली है जिसका बहुत सुना है कि पानी वहाँ का क्रॉसिंग बहुत मुश्किल है। देखिए यहाँ से तो कभी भी ऐसी जगह पे आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आपने बाइक बहुत हम्बल मजादी से चलाना है, क्योंकि आप अपना टूर पूरा करना है, ना कि आपने यहीं से वापस आना। हमेशा बाइक राइड
बहुत केयरफुली करें। तकरीबन शाम 5 बजे का टाइम हो गया, अभी तक हम मुझे लग रहा है कि अभी तक हम मुसलसल हाइट चढ़ते जा रहे हैं, अभी तक हम नीचे नहीं उतरे, काफ़ी लेट हो गया हम लोग। ये काफ़ी भयानक लग रहा है अभी, और यहाँ पे मून भाई भी खड़े हुए हैं, वो सामने नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई मसला है, देखते हैं जाके। ये ग्लेशियर आ गए, जो हम अब यहाँ से ये बाइक हमारे दोस्त आ गए हैं, ये सब मिल के अब इसको हम इंशाल्लाह क्रॉस करेंगे। पानी बहुत तेज है, इसका बहाव ये देखें, इसको इतना नहीं आप देख सकते, ये पानी आप अंदर से भी देख सकते हैं इसको। एक बार तो बाढ़ लगी थी वैसे, मून पे थोड़ा सा मुझे बोल रहे थे कि यार काफ़ी डिफिकल्ट था, इसकी वजह से जब ऐसी जगह पे भी कभी आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, अगर इतना आपको डेंजर नहीं लग रहा तो डेंजर तो है वैसे वो, क्योंकि अगर आप वहाँ से स्लिप होते हैं, आप गिरते हैं तो आप सीधा ग्लेशियर में चल जाते हैं, और मेरा ख्याल क्यामत तक आप बाहर नहीं निकल सकते वहाँ से, तो इसलिए किसी भी चीज़ को इस तरह ईजी नहीं लेना चाहिए, तो हर चीज़ को आपको देख के मैनेज करके सबर तहम्मुल से सबसे मशवरा करके फिर उसके बाद उसको आप करें। कभी भी एक तरफा राय के ऊपर मेजोरिटी में फैसला होना चाहिए रैदर दैन कि आप मिनोरिटी में करें। तो इसके बाद अभी तक तो यार ये ख़त्म ही नहीं हो रहा, अभी तक कब हम नीचे उतरना शुरू होंगे, अभी तक तो सारा हाइट पर जाता जा रहा है। तकरीबन शाम के 5 बजे का टाइम हो गया, 5:30 बजे का। खैर ये क्या बुला गई अब, तो मुझे लग रहा है वो पानी था ही नहीं, पानी ये है जिसका वो लोग जिक्र कर रहे थे। भाई क्या बात है, जबरदस्त। दादी दादी दादी
धक्का धक्का मारो दादे ये डिफिकल्ट था। शुक्र है कि अभी किसी के बाइक के वायरिंग वगैरह का कोई में पानी नहीं चला गया, नहीं तो बहुत सारा मसला हो जाता मेरे पास। हमारे पास तो सीडीआई यूनिट भी एक्स्ट्रा साथ में नहीं लेके आए, भूल गए हैं। लेकिन खैर शुक्र है सबकी बाइक फाइनली बाइक निकल के बिल्कुल अच्छी तरह से बिल्कुल से स्टार्ट हो गई हैं और सब लड़के फिर दोबारा से चल पड़े हैं। अब मून भाई मेरे से आगे हैं और मैं मुंबई से पीछे, बाकी सब लड़के हमारे पीछे हैं। और अब हमारा ये है कि अब हम लोग कॉन्स्टेंटली चलते जाएंगे, किसी का वेट नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरह से फिर टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है। अब मून भाई की मेरी कमिटमेंट ये हुई है कि अब हम लोग कॉन्स्टेंटली चलते जाएंगे, चाहे पीछे कोई आए या ना आए। इसका मकसद ये नहीं होगा कि हम सबको छोड़ जाएंगे, लेकिन सब ताकि अपना जो चलते जाएँ कोई रुके ना, टाइम ना ज़ाया करें। अरे यार ये हाइट कब खत्म होएगी यार, तो मेरी बैटरी भी ख़त्म होने वाली लगता है कैमरे की भी। और खैर ये एक दो पानी क्रॉस किए हैं। अब जब भी आप लोग नूरी टॉप आएंगे आपने जेन में रखना है ये दो आपको ग्लेशियर जो क्रॉस करने हैं, इनके लिए आपने पूरी प्रिपेयर होने हो क्या। और हमेशा एक बार याद रखना जो चीज़ आपको नीचे देखें किस तरह से, ये देखें कितना ग्लेशियर है सारा। हमेशा से आप लोग एक बार याद रखें जो आपको चीज़ कैमरे में लगती है, कैमरे में वो कम भयानक लगती है, वैसे देखने में रियल में देखने में ज़्यादा भयानक होती है। फिर से सारा गीला हो गया यार मैं। अस्सलाम वालेकुम। तो ये नूरी टॉप के रास्ते में आए, रात को बाइक से हमारी ये चढ़ाई नहीं चढ़ रही थी, बहुत मुश्किल हो गई थी। एक तो नज़र ठीक से नहीं आ रहा था, एक थोड़ा सा सामान कैरी करना मुश्किल हो रहा था। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि यहाँ से तकरीबन कोई एक घंटे की और चढ़ाई के बाद हम फिर नीचे जरगढ़ वाली साइड पर आएंगे। अभी हम शारदा से नूरी टॉप की तरफ जा रहे हैं, रात का हमने स्टे यहाँ पे किया है। ये हमारी बाइक्स खड़ी हैं, ये फैजी भाई हैं। फैजी भी कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका नूरी टॉप का? एक्सपीरियंस अच्छा रहा, लेकिन लेकिन अगर बाइक मसला हुआ हाँ, अभी आपका पंचर ही हुआ बाइक, अभी हमने इसका पंचर भी लगाना है।
दूसरे भाई हैं वो देखें, वो कहते हैं कि अगर मेरे से बाइक ऊपर ना चढ़ी तो मैंने ये सारा सामान समून फेंक देना यहाँ वो कहते हैं वो सामने वो जब पेंट अपनी ठीक कर रहे हैं, यहाँ फिर वो कह रहे हैं कि ये सामान यहाँ पे कहीं छुपा के चले जाते हैं और कुछ जीप करवा के ले के आएंगे और उसके अंदर ये डालेंगे। ओके जी लाभ सारे लड़के गांड मरवा के धोखा दे गए हैं, सब लड़के धोखा दे गए हैं, सिर्फ फिदान मेरे साथ है इस वक्त। और अब जो एक्स्ट्रा सामान था, एक बाइक हमारी नीचे ख़राब हो गई थी, इस टाइम हम नूरी टॉप जा रहे हैं, वाया शारदा हैं। अब कुछ सामान है जो वो हमने यहाँ इस पत्थर के पीछे छुपा दिया है, ये डब्बे हैं, शूज़ हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। देखेंगे किस्मत में होएगा तो ये आगे दोबारा उठा लेंगे चीज़ें, नहीं तो जाया चली जाएंगी। एक्स्ट्रा सामान कभी भी कैरी मत करें, फिलहाल मेरा तो एक्स्ट्रा सामान था नहीं, चाचू का सामान की वजह से रात को हम लोगों ने इतनी भयानक जगह पर यहाँ पर रात गुजारी है, मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर कोई रात गुजारता होगा, क्योंकि यहाँ पे बियर भी है, इसके अलावा और भी बहुत सारे जंगली जानवर हैं और पता नहीं क्या क्या कुछ है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कभी किसी चीज़ से इतना से डरे नहीं हैं। तो आप भी बात ये हमेशा याद रखें, जब कभी भी ऐसी जगह के ऊपर आपको रात गुजारना पड़ जाए, कोई ऐसा हो, आपके पास अपना स्लीपिंग बैग, अपना पर्सनली टेंट, हर एक चीज़ होनी चाहिए रात गुजारने के लिए, ना कि इधर। यहाँ पे प्रॉपर नेचुरलिज्म है, आपको यहाँ पे कोई इंसान कोई ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती है। अभी तक हमने यहाँ पे अभी तक रात हो गया, सुबह हो गई, अभी तक कोई यहाँ पे बंदा नहीं देखा, तो इसलिए आप कभी भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट होकर मत जाएं। आपके पास अपनी सारी एक्सेसरीज आपके पास होनी चाहिए, आपके पास अपना स्लीपिंग बैग, अपना टेंट, हर एक चीज़ होनी चाहिए। टेंट तो हमने रात को लगाया नहीं था क्योंकि जगह टेंट लगाने के लिए थी नहीं सारी, तो स्लीपिंग बैग में हम लोग सोए थे। रात को बारिश भी हुआ, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ ठीक से हो गया। अभी भी बारिश हो रही है हल्की, और अभी मुझे लग रहा है कि हम लोग टॉप के ऊपर आ गए हैं, अल्लाह खैर करे। अब अल्लाह करे बस यही होया। बेसिकली किसी भी जगह पे पहुंचने के लिए आपको भी पता है कि डेस्टिनेशन से बेहतर जो अच्छी जो चीज़ होती है वो उसका वे होता है। तो अभी तक जो नूरी टॉप को मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक मैंने जो इंजॉय किया है, मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत और सबसे दिलचस्प और सबसे एडवेंचरस जो मेरा ट्रैक था वो अभी तक का नूरी टॉप है। बहुत मज़ा आया, और रात को हम लोगों को रात भी गुजारना पड़ा वहीं पे। कुछ चार दोस्त मेरे आगे निकल गए हैं, वो उनका बाइक चढ़ गया था, उनके पास सामान ठीक था सारा, और हम लोग चार तीन दोस्त पीछे फंस गए थे, हमारा बाइक नहीं चढ़ा, हमने रात वहीं पे गुजारा नूरी टॉप से थोड़ा सा पीछे, और चाचू वापस चले गए हैं, और अब जो आगे जो दोस्त चले गए हैं वो जलखड़ में हमारा वेट कर रहे होंगे। अभी तक कल का कुछ नहीं खाया है, पानी पिया है, और अभी एक मैंने टिन पैक खोल के खाया था फ्रूट का। अब ये पथरीला रास्ता आ गया है,
फिजान की बाइक थोड़ा तंग कर रही है, उसका पंचर का जो सामान था वो जो एक दोस्त है जो हमें छोड़ के चला गया उसके पास था। अब देखो अब क्या करते हैं। बाइक ने बाड़ लगा दिया यार। अरे छोड़ के जाए इंसान, मैंने कब बोला नकआउट सिस्टम है, छोड़ के जाओ, लेकिन अगले बंदे को यार एक्सेसरी तो दे के जाओ। पंचर का सामान सारा औजार सारे साथ ले गया, पता भी है बाइक पंचर है एक एक लड़के की, इसलिए डरपोक बंदे का यहाँ पे काम नहीं है। आपको उसने अपनी जान बचाई है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। आप हमेशा ये बात याद रखें, ठीक है आप नकआउट सिस्टम रखें, लेकिन इस तरह से ना कभी किसी के साथ करें। काफ़ी सर्दी सर्दी से आप कूल कूल फील हो रहा है और बारिश भी है साथ में, आपके सामने ही है कि जिस तरह से सारा सफ़र चल रहा है। तो अभी भैया बहुत टाइम हो गया है, पंचर बाइक चलाई जा रहे हैं, देखें अभी क्या होता है। बहुत लग रही है यार। ओए होए होए होए, बेसिकली ये ट्रैक रियल टूरिस्ट के लिए, कभी भी यहाँ पे आप अपनी पूरी सेफ्टी लेके आए, पूरा इसको एंजॉय करें, और ये एक कमर्शियल जगह नहीं है, रियल टूरिस्ट के लिए बहुत बेहतर जगह है। मेरा नहीं ख्याल कैसा कोई ट्रैक है। और अभी जुलाई से अगस्त के बीच बीच में आप लोग आए, इससे आगे पीछे मत आइए, ट्रैक बंद होएगा। सामने जलखड़ का पहाड़ जहाँ पे आई थिंक के वो जलखड़ का पहाड़।
मौसम इस वक्त हुआ हुआ है, अगर सुबह कल पीछे हुआ होता तो शायद हमारे लिए कोई मसला बन सकता था। देखें कैसी लश क्लीन, कैसी ज़बरदस्त जगह, यहाँ अभी आप कैंपिंग कर सकते हैं। बेसिकली आप नूरीटॉप के लिए जब भी करना है, आप ये बात हमेशा याद रखें, ऊपर टॉप पे कहीं भी जगह पर रहाइश का कोई सिस्टम नहीं है किसी भी तरह का। अगर आपने करनी है तो आपने कैंपिंग करनी है, वो भी बहुत कम लोग करते हैं। आप जीप पे अगर आते हैं शारदा की तरफ से, तो शारदा की तरफ से तो वैसे बहुत मुश्किल है, जलखड़ की तरफ से आप लोग आएंगे। फिजान की बाइक जो है, अब वो ये पथरीला रास्ता आप देख रहे हैं कैसा था, उसकी मज़ीद नहीं चल सका उसका बाइक। अब मैंने उसको पीछे ही खड़ा किया है कि तुम वहाँ पर रुको, मैं अब नीचे जलखड़ जाके बटाकुंडी से या किसी जगह से कोई पंचर का सामान कोई चीज़ें उनको देख के, तो फिर मैं उसको वापस लेने के लिए आऊँगा, क्योंकि उसका बाइक नहीं अब चला था, अब उसका ख़त्म हो गया सिस्टम। देखो अब जाके वो लोग मिलते भी हैं नहीं मिलते हैं, क्या है क्या नहीं, अभी तक तो सब बहुत कंफ्यूजन है, बहुत डिस्टर्ब हुआ हुआ सारा मामला। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारा 17 को हमने यहाँ पहुँचना था और 18 को हमने जलखड़ पहुँचना था। अल्लाह का शुक्र है कि 19 को हम लोग पहुँचेंगे जलखड़, और इंशाल्लाह यहाँ से फिर हम लोग आगे फिनिशिंग के लिए निकल जाएंगे। अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि हमारा अगर टाइम के हिसाब से देखा जाए, डेज के हिसाब से देखा जाए, तो वो बिल्कुल ठीक चल रहा है सब कुछ। चाचू का आज वेट करेंगे, चाचू आ जाएंगे इंशाल्लाह, फिर हम लोग आगे फिनिशिंग के लिए निकल जाएंगे। 3 पानी आए हैं ख़तरनाक, 2 एक जो लास्ट पानी जहाँ से मैंने बाइक गुजारा था, वो एक गलत डिसीजन था मेरा, मैंने बैग में नहीं उतारा, जिसकी वजह से वो बैग मेरा गीला हो गया, बंदनी हो गया, फिर बाइक मेरा नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से फिर ऊपर स्टे करना पड़ा हमें। नींद बहुत अच्छा आया वैसे, लेकिन रात को डर भी लग रहा था वैसे थोड़ा थोड़ा। और अभी मेरा ख्याल है तकरीबन कोई आधे घंटे घंटे का सफ़र रह गया आएगा और मज़ीद, फिर हम लोग जलखड़ पहुंच जाएंगे। अभी तक तो कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा यार यहाँ पे, ये नीचे उतरने आप हम